अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीएससीए टीवी के साथ मैं हूं ताहिर अली। नाज़रीन, बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर साहिबा की सरपरस्ती में पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन के वफद ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया। उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई। आइए जानते हैं कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी बारे उनके क्या तासरात। सेफ्टी ऐप के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, फीमेल्स देखने वाली हमारी ख्वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगी, ये सेफ्टी ऐप बहुत अच्छा है, हमारी सेफ्टी के लिए बना है, पर इसको काइंडली मिसयूज़ नहीं करना। बच्चों को समझाना है, क्योंकि 80% जो कॉल्स आते हैं वो प्रैंक कॉल्स होते हैं, उनकी वजह से जो हमारी इमरजेंसी है वो रह जाती है। तो प्लीज़ काइंडली बच्चों को समझाना और इस ऐप को डाउनलोड करना और इस्तेमाल तब करना जब आपको लगेगा कोई ख़तरा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निगहत अरशद, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं गर्ल गाइड्स एसोसिएशन की। उनसे जानते हैं कि वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से वो हमें क्या कहेंगे। ये जो पंजाब पुलिस सेफ्टी ऐप है, इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि बच्चियों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो आजकल कहानियाँ इतनी सारी आती हैं, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, इन सब से हमारी बच्चियाँ बची रहेंगी। आज का जो हमारी गर्ल गाइड्स आई हैं, वो उनको हमने साथ ही में ही ये टास्क दिया है कि जो जो ये ऐप जान चुका है वो ज़रूर इसको अपनी बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो इस रंगों को सतरंग करने के लिए और उसको हर तरह से भरपूर करने के लिए पंजाब पुलिस का ये एकदम बेहद अच्छा है। इस ऐप के बाद काफ़ी जो गर्ल्स हैं अपने आप को सिक्योर फील कर रही हैं और मैं खुद अपने आप को सिक्योर फील कर रही हूँ और प्राउड फील कर रही हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, यहाँ पे हमें हेल्प मिल रही है। मतलब एक ऐप के अंदर तकरीबन ऑल नेटवर्क काम कर रहा है, 112215 और मोटरवे पुलिस। आपको वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में बताया गया, कौन सा फीचर आप समझती हो कि ज़्यादा फीमेल्स के लिए फ़ायदेमंद है? वुमेन सेफ्टी ऐप में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है लाइव चैट का, क्योंकि गर्ल्स मोस्टली चाहती हैं कि वो अपने आप को अलग रखें, वो नहीं शो करवाना चाहती खुद को, तो लाइव बात नहीं करना चाहती, कॉल पे बात नहीं करना चाहती, तो कॉल पे बात करना इनसिक्योर फील करती हैं, तो वो लाइव चैट के जरिए अपनी लोकेशन भी बता सकती हैं और अपनी इनसिक्योरिटी भी बता सकती हैं और फौरी तौर पर उनको लाइव चैट में भी रिस्पॉन्ड किया जाता है।